हेलो जय हिंद दोस्तों मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम एक आर्मी अग्निवीर स्पेशल मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं जिसके अंदर आपके पूरे एग्जाम की तरह 50 प्रश्न होंगे 15 क्वेश्चन आपके जीके के पंद्रह साइंस के पंद्रह मैथ के और पांच प्रश्न इसके अंदर रीजनिंग के रहने वाले हैं सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगेगा चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं तो देखिएगा जी यहाँ पे प्रश्नों की जो आपकी टोटल संख्या है वो कितनी है पचास है और अब क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो बिल्कुल नजदीक आ रहा है तो इन पचास में से आपको आज फोर्टी फाइव प्लस क्वेश्चन राइट करने का टारगेट दिया है और एग्जाम में भी आपको कम से कम इतना टारगेट लेकर चलना पड़ेगा और ये नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद आज के टेस्ट में आपकी नेगेटिव रहेगी जीरो पॉइंट फाइव इसका ध्यान रखिएगा उसी हिसाब से आपको आज का पेपर अटेम्प्ट करना है और दूसरी चीज लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि 0.5 नेगेटिव लगाने के के बाद आपके आज के पेपर में कितने नंबर आए हैं ठीक है 50 क्वेश्चन हैं और टोटल 100 नंबर का पेपर है एक क्वेश्चन आपके दो नंबर के रहेंगे स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए सेक्शन ए सामान्य ज्ञान एक से पंद्रह तक पहले पंद्रह क्वेश्चन गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी वाल्मीकि महर्षि वेदव्यास, विश्वामित्र या फिर तुलसीदास हाँ जी सभी को जय हिंद गुड मॉर्निंग आपसे जरूरी बात करनी है <coughs> क्लास के बात करेंगे भाई ठीक है आपको नंबर दे देंगे फोन कर लीजिएगा थोड़े आज कमेंट कम पढ़ेंगे क्लास पे ज्यादा फोकस करेंगे ज्यादा लेंथी क्लास को नहीं खींचेंगे ठीक है जी देखिए गायत्री मंत्र की रचना किसने की है जिन्होंने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है विश्वामित्र उनका आंसर करेक्ट है यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है तो गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद वेद से लिया गया है इसका ध्यान रखिएगा कहां से लिया गया है तो यह ऋग्वेद वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है ठीक है जी वाल्मीकि आपको पता है ना रामायण की रचना की है और महर्षि वेदव्यास ने महाभारत और भगवत गीता लिखा है तुलसीदास रामचरित मानस ये भी इंपॉर्टेंट है सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने सिकंदर के गुरु का नाम क्या था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और आंसर कर दीजिए निकेटर अरस्तु प्लेटो सुक्रात जल्दी आंसर करिए क्या आंसर करेंगे आप इंस्टा पर फॉलो बैक नहीं देते हो भाई दे देंगे इंस्टाग्राम थोड़ा कम यूज कर रहे हैं आपका एग्जाम है तो थोड़ा समय हमें भी नहीं मिल रहा है अभी देखिए सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु ऑप्शन बी क्या सभी ने आंसर दिया है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है <coughs> आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था ये जितने भी युद्ध है ना और जिसने आक्रमण किए हैं किसके शासन काल में किए हैं ये अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में ठीक है और विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं देखिए तैमूर लंग ने तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में नासिरुद्दीन महमूद के समय में ठीक है तेरह सो अठानवे ईस्वी में आक्रमण किया था ऑप्शन ए मैच करिए क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को दिया है वेरी गुड एडमिट कार्ड 11 से आएंगे रविंदर कुमार नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था अकबर औरंगजेब जहांगीर बाबर मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है देखिए अकबर ने दो तीन चीजों का अंत किया है दो तीन चीजें शुरू की हैं इबादत खाना शुरू किया था इन्होंने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया था यह अच्छे प्रश्न है अकबर से रिलेटेड ठीक है जी अकबर किस वर्ष की उम्र में सम्राट बना था अकबर का संरक्षक कौन था अकबर ने कौन सी लड़ाइया लड़ी हैं ये सभी अच्छे प्रश्न हैं दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था पंद्रह में ठीक है वैसे ये डेट आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा सन क्योंकि ये थोड़ा सा अपर लेवल है क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए भारत की आर्थिक राजधानी डैश है दिल्ली मुंबई बेंगलुरु देहरादून द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज देखिए ये फाइनेंशियल कैपिटल है और वैसे भारत की कैपिटल दिल्ली है एक प्रश्न और पूछ ले कि भारत की श्रम्फ राजधानी क्या है क्या चीज भारत की श्रम्फ राजधानी तो ये नेल्लूर है ठीक है क्वेश्चन थोड़ा सा अपर लेवल है एसएससी के लेवल का भारत की श्रम राजधानी नेल्लूर और भारत की जो आर्थिक राजधानी है वो बोलते हैं मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बिकॉज जितने भी आपके बैंक हैं लगभग 90 परसेंट बैंक जो हैं उनके हेडक्वार्टर मुंबई में ही मिलेंगे एस बी आर ठीक है ये लगभग सभी के हेडक्वार्टर मुंबई में है क्वेश्चन नंबर सिक्स पृथ्वी आकार में डैश सबसे बड़ा ग्रह है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट और आंसर करिए इस प्रश्न का जल्दी से आंसर कर दीजिए गुड पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी आकार में पांचवे नंबर पे है और पूछेगा सूर्य से क्रम में पृथ्वी कौन से नंबर पे है बोलेगा कि यहां पे सूर्य है उसके बाद सूर्य से क्रम में पृथ्वी कौन से नंबर पे है पहले नंबर पे ग्रह आता है बुद्ध फिर आता है शुक्र ठीक है जी शुक्र के बाद आती है पृथ्वी फिर मंगल फिर बृहस्पति फिर शनि अरुण वरुण तो यहां पर सूर्य से क्रम में पृथ्वी तीसरे नंबर पे आएगी थर्ड नंबर पे और आकार के हिसाब से पृथ्वी का स्थान पांचवा है इसका ध्यान रखिएगा देखिए सेवन नंबर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है ओजस डेल कोटोपैक्सी एकांक हुआ मोना लाओ विच इज द हाइएस्ट वालकैनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड विशाल कांद्रे एस एस सी जी डी में क्वालिफाइड चलिए आंसर करिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी कहां पे है ये यह इक्वाडोर में है विश्व का सबसे ऊंचा सबसे लंबा विश्व में प्रथम ये स्टैटिक जीके है बेसिक क्वेश्चन है इसमें से क्वेश्चन देखिए पहले बहुत आते थे विश्व में प्रथम ऊंचा लंबा ये बहुत प्रश्न आते थे अब किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा आपको ठीक है पर ये क्योंकि ये टॉपिक आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको एक ही बार में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो जो इंपॉर्टेंट जो आज तक पिछले दस वर्षों में पूछे गए हैं किसी भी टॉपिक से अगर एक भी प्रश्न आया है वो टॉपिक आपका पूरा कवर होना चाहिए सेवन नंबर हो गया है एट नंबर <coughs> मेडा गास्कर द्वीप अवस्थित है आकर्टिक महासागर में प्रशांत महासागर में अटलांटिक या फिर हिंद महासागर में आंसर कर दीजिए जी फटाफट से कोटोपैक्सी गुड देखिये सॉल्यूशन पे चलते हैं मेदागास्कर द्वीप जो है यह हिंद महासागर में लोकेटेड है जी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है यह मुझे लगता है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ श्रीलंका श्रीलंका की कैपिटल ऑलवेज रुपया ही है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दस है सामने शहर कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है दामोदर नदी कोसी नदी हुगली नदी ब्राह्मणी नदी ये टॉपिक कवर कर लीजिएगा मैंने आपको करवा भी रखा है आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं और गूगल की भी सहायता ले सकते हैं ठीक है क्योंकि ये देखिए हर शिफ्ट में तो नहीं बोलेंगे पर देखिए आपका एग्जाम छब्बीस तारीख तक चलेगा ना इसी टॉपिक से कम से कम पांच से सात प्रश्न टोटल मिला के देखने को मिलेंगे जरूर ठीक है कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है आंसर मैच करते जाइए और आगे बढ़ते रहते हैं फिर दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं यह ध्यान रखिएगा बंगाल का शोक ठीक है कोसी नदी को बोलते हैं बिहार का शोक और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर इलेवन किसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए अहमदाबाद गोवा गुजरात मुंबई विच इज आल्सो कॉल्ड गेटवे ऑफ इंडिया अच्छा गेटवे ऑफ इंडिया वैसे आपको मुंबई में पता है बट वो इमारत है ठीक है और ये क्या है प्रश्न है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं इंडिया गेट गेटवे ऑफ इंडिया वो अलग चीजें हैं ये अलग है जी करो जी आंसर क्या आंसर कर रहे हो क्या सभी यहां पर ऑप्शन डी को बता रहे हैं मुंबई आप सभी का आंसर करेक्ट है मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी भी मुंबई को बोला जाता है इसका भी ध्यान रखिएगा ठीक है अब यहां पे कुछ नहीं है नंबर देखिए स्क्रीन पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है केरल में कर्नाटक में तमिलनाडु में झारखंड में इन विच स्टेट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड आंसर करिए फटाफट से और इस समय 1800 स्टूडेंट लाइव हैं हम अभी तक आप सभी ने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक जरूर करिएगा मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा फिर से बता रहा हूं कि 0.5 नेगेटिव मार्किंग लगा के चलिएगा आज के टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चन हैं और 100 नंबर के क्वेश्चन हैं नेगेटिव मार्किंग लगाने के बाद आपके कितने 100 में से नंबर बन रहे हैं वो आपको लास्ट में कमेंट करना है और सेक्शन वाइज भी बताना है साइलेंट वैली केरल में है ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है जी क्वेश्चन नंबर तेरह सामने स्क्रीन पर भारत में आर्य समाज की स्थापना कब की गई वाज आर्य समाज इन इंडिया in बता दीजिए जल्दी से पांच ओरिजिनल पेपर सुपर वी स्टडी कल रात को तीन अपलोड हो गए हैं आज दो भी अपलोड हो जाएंगे उन तीन का टेस्ट लगा लीजिए आप तब तक ठीक है सुपर स्टडी देखिए आर्य समाज की स्थापना क्या ऑप्शन ए आंसर दिया है आपने अठारह में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी ऑप्शन यहां पे ए करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती चलिए क्वेश्चन नंबर चौदह देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर आंसर कर दीजिए भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भीमराव अंबेडकर बलदेव सिंह सचिदानंद सिन्हा हु मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये इंपॉर्टेंट है ठीक है संविधान के निर्माता भी कहा जाता है जल्दी आंसर करिए भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है जी क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है राजेंद्र प्रसाद आपको बता है भारत के पहले राष्ट्रपति बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री और सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष क्वेश्चन नंबर पंद्रह है सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला कौन थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सुष्मिता सेन ऐश्वर्या राय मानुषी छिल्लर रीता फारिया वुमेन टू बिकेम मिस यूनिवर्स 1994 जल्दी बताइए और आंसर क्या सभी ने यहां पे ए को दिया है सुष्मिता सेन आपका आंसर करेक्ट है जी मैं उम्मीद करूंगा टेस्ट लगाने में आपको मजा जरूर आ रहा होगा यहां पे सेक्शन ए कंप्लीट होता है और उससे पहले आपको पता है आपका एग्जाम ऑनलाइन है और ऑनलाइन आपको टेस्ट लगाना है इस टेस्ट में भी आपको 0.5 नेगेटिव लगाकर चलना है ऐसे ही हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है अगर आप सभी ने अभी तक नहीं ली है प्ले स्टोर पे आपको हमारी ऐप मिल जाएगी शुभ क्लासेस और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ये टेस्ट वन के नहीं है आज शाम के पांच बजे तक ये जो हमारे टेस्ट रहेंगे वो ओनली नाइन नाइन रुपीज के रहेंगे ठीक है जी इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके अंदर जीरो नेगेटिव मार्किंग भी लगी हुई है मिनट का टाइमर भी चलेगा इसके अंदर और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और ये जो हमारी टेस्ट ये हमारी अट्ठाइसो वाली ई बुक है ब्रह्मास्त्र अगर आपको लास्ट में रिवीजन करना है बहुत सारे प्रश्न चाहिए सिलेक्टेड तो आप हमारी इस 2800 प्रश्न वाली ई बुक को ले सकते हैं दूसरी चीज ये आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं ठीक है जी डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कोई हेल्प चाहिए आपको तो यह मेरा हेल्पलाइन नंबर है पिचहत्तर छह सौ चौसठ एक सौ एक, एक इस पर आप कॉल कर सकते हैं कोई अर्जेंट होगा तभी कॉल करिएगा सेक्शन भी है सोलह से तीस तक अगले पंद्रह क्वेश्चन आंसर करिए समतल कोण का एस आई मात्रक क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी बताइए जल्दी समतल कोण का एस SI आई मात्रक हंटर गेमिंग और कितनी फास्ट करें भाई बहुत फास्ट चल रहे हैं सर नेगेटिव जीरो पॉइंट टू फाइव की है कोई बात नहीं भाई जीरो पॉइंट फाइव लगा लो थोड़ी तैयारी और स्ट्रांग ही होगी आपकी ठीक है नाम बाद में लेंगे भाई सभी का थोड़ा स्पीड बढ़ाइए ओके समतल कोण का एस SI आई मात्रक क्या है रेडियन है ऑप्शन बी स्टे रेडियन भी पता होना चाहिए घन कोण का एस आई मात्रक है किसका है घन कोण का कैंडला है ज्योति तीव्रता का एस आई मात्र सत्रह नंबर किस रंग का तरंग धैर्य सर्वाधिक होता है ये मैंने कम से कम प्रश्न कम से कम इस अग्निवीर में ही दस बार करवा दिया है तो इसमें समय देंगे ही नहीं लाल रंग का तरंग धैर्य सर्वाधिक होता है ऑप्शन ए मैच कर लीजिए और बैंगनी रंग का तरंग धैर्य सबसे कम होता है यह ध्यान रखिएगा अठारह नंबर सामने स्क्रीन पर है आपके आंसर करिए जल्दी किस गैस को प्राणवायु कहते हैं विच गैस इज कॉल्ड प्राणवायु कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम क्या आंसर करेंगे आंसर करिए भाई प्राणवायु जिसको हम सांस लेते हैं हमारे सांस लेने में प्रयोग होती है ऑक्सीजन ऑप्शन बी उन्नीस नंबर देखिए जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है वट इज द चेंज इन टू वेपर कॉल्ड बताइए ऑप्शन सामने अवेलेबल है जल्दी आंसर करिए जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है जी क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन बी को दिया है भौतिक परिवर्तन आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है नेक्स्ट है क्वेश्चन जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार प्रतीत होता है बढ़ा हुआ यह बढ़ा है ठीक है घटा हुआ समान या इनमें से कोई नहीं जल्दी आंसर चाहिए सभी का जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो उसमें जो व्यक्ति खड़ा होता है उसको अपना भार घटा हुआ प्रतीत होता है वो सोचता है कि हल्का हो गया है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जब ऊपर की ओर जाएगी तो उसको बड़ा हुआ प्रतीत होगा और मान लीजिए लिफ्ट की रस्सी टूट गई और लिफ्ट बिल्कुल स्पीड में नीचे जा रही है तो व्यक्ति का भार शून्य हो जाता है क्योंकि लिफ्ट व्यक्ति से ज्यादा भारी होती है और लिफ्ट जो है उससे स्पीड से नीचे जाती है गुरुत्वाकर्षण के कारण बीस नंबर क्वेश्चन कार्य करने की दर को क्या कहते हैं वट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड त्वरण संवेग ऊर्जा शक्ति बताइए जल्दी आंसर कर दीजिए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं तो ये कहते हैं शक्ति ऑप्शन डी क्या सभी ने आंसर किया है भाई ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल सुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए आंसर करने का कष्ट करिए भाई बस गुड नाम अब लास्ट में लेंगे इस टाइम किसी का नाम नहीं लेंगे क्लास चल रही है पूरे जोरों शोरों पर और जल्दी समाप्त करने का भी प्रयास करेंगे शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है जी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है क्योंकि देखिए ध्वनि को गति करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है अब नमी युक्त वायु में क्या है नमी के कण होते हैं मोस्टर होता है ठीक है जिनसे टकराकर ध्वनि और अधिक तेजी से गमन करती है यात्रा करती है इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट है अब अभिंदुक्ता के निवारण हेतु तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है करवाया गया प्रश्न है विच लेंस इज यूज टू करेक्ट अस्टिगमेटिज्म एग्जाम में यह प्रश्न पूछता है अभिंदुक्ता तो हिंदी में देगा नहीं हिंदी में भी इंग्लिश दे देता है कि एस्टिगमेटिजम किससे संबंधित बीमारी है तो यह आंख से संबंधित बीमारी है यह प्रश्न बनता है इस टाइप से ठीक है और इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है आंसर मैच करिए दूसरा अवतल लेंस क्या है भाई निकट दृष्टि दोष के लिए ठीक है और उत्तर लेंस दूर दृष्टि दोष के लिए अब ये निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष इसकी डेफिनेशन उल्टी हैं इसमें मत फंसीगा एग्जाम में अगर बोलेगा कि निकट की वस्तु दिखाई देती है तो कौन सा रोग होता है दूर की नहीं दिखाई देती अगर निकट की दिखाई दे रही है तो निकट दृष्टि दोष होगा और दूर की दिखाई दे रही है पास की दिखाई नहीं दे रही है उल्टा होता है बस ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तेईस की तरफ और सामने स्क्रीन पर क्या बात है भाई है वेरी गुड बताइए मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं हाउ मैनी चैम्बर्स तक एग्जाम में एक मछली के हृदय में एक मेंढक के हृदय में जिसको फ्रॉग बोलते हैं और एक मनुष्य के हृदय में यानी कि मानव के हृदय में चलिए करिए जरा आंसर तीनों के मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं तो मछली के हृदय में दो प्रकोष्ठ होते हैं दूसरा मेढक के हृदय में तीन प्रकोष्ठ होते हैं यानी कि चैंबर्स बोलते हैं और मनुष्य के हृदय में चार प्रकोष्ठ होते हैं चार चैंबर होते हैं मछली गलफड़ों से सांस लेती है मेंढक त्वचा से सांस लेता है और मनुष्य फेफड़े यानी कि लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं यह भी प्रश्न बनते हैं और आगे देखिए चौबीस नंबर वायुयान तथा मोटर की गति मापने वाला उपकरण कौन सा है एक्टियोमीटर, टेकोमीटर स्पीडोमीटर सेक्सटेंट यह टॉपिक परसों करवाया है ठीक है विज्ञान के प्रमुख उपकरण ये परसों टॉपिक करवाया है मैंने और अगर आपने परसों क्लास ली है साइंस की आसानी से टेकोमीटर आंसर कर दोगे ऑप्शन बी स्पीडोमीटर मत करना ठीक है स्पीडोमीटर कहता है पहिए द्वारा कितना पहिया स्पीड में घूम रहा उसको देखता है ठीक है ये वायुयान और मोटर जो मोटर वोट होती है समुद्र में उनकी गति मापने के काम आता है सेक्सटेंट आपको पता होना चाहिए खगोलीय पिंडों की कोणीय दूरी मापने के ठीक है यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं पच्चीस नंबर देख लीजिए एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं वैसे तो यह आपका मैथ का भी क्वेश्चन बन जाता है ठीक है पर रसायन विज्ञान में हम इसको कंसीडर कर लेते हैं भौतिक विज्ञान में करो जी आंसर जल्दी से अब करो क्या आंसर करोगे क्या सभी ने पे ऑप्शन ए को दिया है 2.54 आपका राइट है 26 नंबर इनमें से कौन सा विद्युत का कुचालक है हीरा ग्रेफाइट लोहा तांबा विच ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है जी आंसर क्या आंसर करेंगे विद्युत का कुचालक कौन सा है तो यहां पे क्या सभी ने हीरा आंसर दिया है डायमंड आपका राइट है यह उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है भाई ग्रेफाइट सुचालक है भले ही थोड़ा कम हो कॉपर और लोहा तो भाई छुओगे तो उड़ा देगा फिर ट्वेंटी सेवन नंबर देखिए किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है बिटुमिनस लिगनाइट पिट कोयला एंथ्राइट करण सिंह हिंद सर मैं पृथ्वी डिफेंस एकेडमी से हूं बहुत बढ़िया भाई तैयारी अच्छी करवाते हैं वहां पर भी 22 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है क्या है आपका 22 नंबर क्वेश्चन रॉन्ग है तब तक इसका आंसर करिए मैं एक बार 22 नंबर चेकआउट कर लेता हूं वैसे ठीक है इनमें से कौन सी उत्कृष्ट धातु नहीं है भाई भाई फोकल लेंस आंसर करिए जल्दी से फटाफट से क्या आंसर करेंगे एक मिनट इनमें से कौन सी उत्कृष्ट धातु नहीं है जिन्होंने भी यहां पर ऑप्शन डी को दिया है एलुमिनियम उनका आंसर करेक्ट है देखिए सोना चांदी प्लेटिनम ये उत्कृष्ट धातुएं हैं इनको कुलीन धातु भी बोल देते हैं ठीक है समझ रहे हो ना नोबल मेटल इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है किसे झूठा सोना भी कहा जाता है ये इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जल्दी से बताइए सर 22 नंबर क्वेश्चन एक बार चेक कर लो 22 नंबर अभी चेक करते हैं ये कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं ठीक है झूठा सोना किसे कहा जाता है तो ये बोलते हैं आयरन पाइराइड्स को ऑप्शन बी आंसर दिया है सभी ने ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है जी झूठा सोना आयरन पाइराइड्स को कहा जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी है आज का लास्ट क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का सर बाईस का डी होगा एक मिनट भाई देख रहा हूं इसको कर लेते हैं फिर इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है खसरा पोलियो रेबीज क्षय रोग इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है तो यह ट्यूबर क्लोसिस जो है ना माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस यह जीवाणु के द्वारा होता है विषाणु के द्वारा नहीं अब 22 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार 22 नंबर है अबिंदुकता के निवारण हेतु किस लेंस का भाई बेलनाकार लेंस ओहो देखिए यहां पर मिस्टेक है थोड़ी सी क्या नाम है आपका भाई सरबजीत थैंक यू सो मच यहां पर आप अबिंदुक्ता के निवारण हेतु बेलना कार लेंस का प्रयोग होता है मिस्टेक हो गई है ना बट शुक्र है कि ऑनलाइन में ठीक हो गया नहीं तो आप लोग बाद में कमेंट बॉक्स में वाट लगा देते हो फिर यह बेलना कार लेंस आएगा आपका राइट आंसर अब इंदुक्ता के निवारण हेतु बेलना कार लेंस का प्रयोग किया जाता है ठीक है आप देखिए किसे मुलायम कोयला कहा जाता है यह क्वेश्चन मिस हो गया था आप सभी बता रहे थे तो यह बिटुमिनस कोयले को बोलते हैं मुलायम कोयला नरम कोयला ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ठीक है अब यहां पर क्या है जी आपके जीके और जीएस कंप्लीट है अब डिस्कस करेंगे मैथ के अगले पंद्रह प्रश्न इकतीस से पैंतालीस तक और दूसरी चीज कैलकुलेटर प्लीज कोई भी यूज नहीं करेगा है ना क्योंकि मैथ में कैलकुलेटर लेके जाओगे नहीं कॉपी पेन सारे लेकर बैठेंगे और कोशिश करिएगा कि मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करें चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन ठीक है आपके सामने है स्क्रीन पर आंसर करिए सत्ताइस का ए अनमोल सिंह हां जी सताइस हो गया है आपके सारी क्वेरीज हो गई हैं सताइस छूट गया था सताइस हमने कर लिया है ठीक है और दूसरी चीज दूसरा क्या है एक वो बेलनाकार लेंस था भाई वो उसको करेक्ट कर लीजिएगा अब निवारण हेतु बेलनाकार लेंस ठीक है बाई फोकल क्लिक हो गया था कभी कभी माइंड चल जाता है यार क्वेश्चन आंसर में घूमता रहता है आदमी सारा दिन चलिए अब बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे आंसर आने लगे हैं देखिए एक नल एक टैंक को एक घंटे में खाली करता है दूसरा उसी नल को उसी टैंक को तीस मिनट में खाली करता है दोनों मिलकर भरे हुए टैंक को कितनी देर में खाली कर देंगे जल्दी से मैं फटाफट से कर देता हूं क्योंकि इसके लिए मैंने आपको काफी समय दे दिया है मेरे ख्याल से है ना देखिए ध्यान से माना मैंने कोई नल क्या है ए है टैंक को करता है एक घंटे में खाली यानी कि साठ मिनट में हम मिनट में चेंज कर लेते हैं आंसर मिनट में है दूसरा नल बी है उस टैंक को खाली करता है जी तीस मिनट में ठीक है अब देखिए ध्यान से अब मैं इनका एल्सियम ले लूंगा जो कि सिक्सटी हो जाएगा राइट अब साठ एकम साठ तीस दूनी साठ ये एक और दो क्या है ए और बी के टैंक के खाली करने की क्षमता है एक मिनट की राइट अब दोनों मिलकर बोला है टोटल टैंक की क्षमता साठ है दोनों की क्षमताओं का टोटल तीन हो जाएगा और ये कितनी देर में खाली करेगा बीस मिनट में ऑप्शन बी आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ किसी बेलन का व्यास तीन सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई व्यास की तीन गुना है उसका आयतन ज्ञात करें यह प्रश्न अच्छा है यह गलत मत करिएगा सॉल्व करिए मैंसुरेशन तो आपको करवा दिया है ना कुलदीप सर ने तो इसको करिए आप दिमाग लगाकर देखिए जी बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का पाई आर एच अब यहां पर देखिए ऑप्शन में पाई लिखा हुआ है सब जगह, कि पाई से छेड़छाड़ नहीं की है हम पाई को पाई ही रहने देते हैं ठीक है आर आर का स्क्वायर है ना अब ये व्यास तीन सेंटीमीटर है अगर व्यास तीन है तो रेडियस कितना हो जाएगा तीन बटा दो यानी कि वन पॉइंट फाइव क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो वन पॉइंट फाइव नहीं लिखूंगा कैलकुलेशन क्यों मुश्किल करना इसको मैं थ्री बाई टू ही लिख देता हूं और इसका स्क्वेयर है गुणा हाइट कितनी है व्यास की तीन गुणा है तो हाइट हो जाएगी आपकी नाइन सिंपल है ना अब देखिए पाई यहां पे नाइन बाई फोर इंटू नाइन ठीक है जी इसको सोल्व करेंगे नम इक्यासी यानी कि एटी वन बाई फोर पाई आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्या आंसर किया है सभी ने आंसर आया नहीं भाई अब आया है पूजा देवी का ऋषु पासवान अब आंसर आ रहे हैं सभी के मेरे सॉल्व करने के बाद इतना मुश्किल था क्या यह प्रश्न देखिए आगे एक सौ बीस मिनट पचास घंटे का कितना प्रतिशत है करो इसको अब अब इसमें टाइम मत ले लेना देखो अब भाई ये घंटे है ये 120 मिनट है अब मैं इस 120 मिनट को भी सेम बना लेते हैं घंटे में बदल लेते हैं 120 मिनट यानी कि दो घंटे 60 मिनट में एक घंटा होगा 120 मिनट में दो घंटे होंगे यानी कि ये दो घंटे पचास घंटे का कितना प्रतिशत है प्रतिशत के लिए 100 कर दिया मैंने ठीक है पचास दुनी सौ और दो दुनी चार यानी कि चार प्रतिशत ऑप्शन बी बताओ आंसर दिया है क्या सभी ने दो प्रतिशत प्लस शिवम भाई क्या कर रहे हो आप चार परसेंट आंसर है बिल्कुल सभी का चार आया है वेरी गुड आगे देखिए 150 का 300 प्रतिशत बराबर 600 का x प्रतिशत है तो एक्स का मान ज्ञात करें करो इसको भाई बैठ के जल्दी देखिए मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा मैं समय नहीं दूंगा आप करते रहिए आपके सामने क्वेश्चन है मैं सभी के नाम रात में बोल दूंगा एक सौ पचास का तीन सौ प्रतिशत यानी कि तीन सौ बटे सौ ठीक है बराबर क्या है 600 सौ का x प्रतिशत यानी कि x डिवाइड बाई हंड्रेड है x का मान बताना है यहां से मैंने ये जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल कर दी ये जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल कर दी पंद्रह पैंतालीस यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका चार पचास बराबर ये हो जाएगा आपका छ एक्स अब छ से चार पचास को भाग कर देंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा कितना होगा भाई छ सात बयालीस यहां पर तीन जीरो छे पंजे तीस एक्स की वैल्यू सेवनटी फाइव देखो गुड पिंकू आकाश योगेश आशीष तिवारी लवली श्रीवास्तव सभी का सेवेंटी फाइव है और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दो संख्याओं का एच सी एफ सोलह तथा एलसीएम एक सौ साठ है यदि एक संख्या बत्तीस हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो जी करो भाई जल्दी से दो संख्याओं का एच सी एफ सोलह ऐसा प्रश्न दिखाई दे तो आपको पता होना चाहिए एलसीएम गुणा एच बराबर क्या होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एलसीएम 160 दिया है एच 16 दिया है एक संख्या दी है 32 दूसरी संख्या निकालनी है जिसको मैंने लिख दिया यहां पे एक्स ठीक है जी अब देखो मैं अब बराबर के आमने सामने वाले एक दूसरे से भाग हो जाते हैं ये समझिएगा सोलह से कर दू तो सोलह दुनी बत्तीस और दो से ये भाग हो जाएगा तो ये अस्सी आ जाएगा यहां पर यानी कि जो आपका एक्स का मान है वो ए होगा ऑप्शन बी दूसरी संख्या अस्सी है जी अरे वाह आगे देखिए एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात सात अनुपात नौ है यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या एक हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी देखिए लड़कों यहां पर मैंने लिख दिया बॉयज यहां पर लिख दिया मैंने गर्ल इनका रेशो कितना है सेवन रेशो नाइन है जी अब यहां पर विद्यार्थियों की कुल संख्या एक दी है यानी कि टोटल 192 है तो हम रेशो में भी तो टोटल करेंगे रेशो का टोटल कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा नौ सात यानी कि सोलह रेशो का मान एक सौ बानवे है एक रेशो का मान निकालिए पहले सोलह से अगर मैं एक सौ बानवे को भाग कर दू सोलह सोलह ठीक है सोलह दुनी बत्तीस एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी बारह लड़कों की संख्या निकालनी है और लड़कों का रेशो कितना है भाई सात है अगर एक रेशो की वैल्यू बारह है तो सात की वैल्यू सात की वैल्यू बारह गुना सात कर देंगे तो यहां पर एट्टी फोर आ जाएंगे लड़के ऑप्शन ए गुड और अगर लड़कियों की पूछता तो बारह गुना नौ करके एक सौ आठ आंसर आ जाना था आपका आगे देखिए जी छत्तीस हो गया 37 नंबर इसको सॉल्व करो ये तो सिंपल है बस क्या है इसमें पॉइंट्स आपके अलग अलग हैं इसमें मिस्टेक हो जाती है टिक करने में ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन गलत 108 सौ आठ रिपू गलत है आपका लड़कों की संख्या हो जाएगी 84। देखिए 2.42 को मैं 242 डिवाइड बाय 100 लिख सकता हूं आसानी से लिख सकते हैं दो डिजिट के बाद पॉइंट है तो गुणा यह क्या है 0.005, यानी कि इसको मैं पांच बटे तीन डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसको मैं एक हजार लिख सकता हूं तीन जीरो लगा देंगे इज इक्वल टू पांच दुनी दस का जीरो हांसिल एक पांचों के बीस और इक्कीस का एक हंसिल दो पांच दुनी दस और दो बारह गुणा करने पे ये आएगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा नीचे यहाँ पे एक हजार है और दो जीरो इसकी भी लग जाएंगी गुणा हो जाएंगी तो ये एक जीरो से आपकी ये एक जीरो कैंसिल अब नीचे क्या है जी चार जीरो है यानी कि चार डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे ठीक है यहां पर तो डिजिट वन टू वन तीन ही बन रहे हैं चार डिजिट पूरे करेंगे आगे जीरो लगा के तो यहां पर आपका आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो वन टू वन ये ऑप्शन सी अवेलेबल है भाई क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं डालते आप लोग आपको बोला है क्वेश्चन नंबर भी डाला करो किस क्वेश्चन का आंसर करो सैंतीस नंबर डाल के आंसर किया करो ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाती है और एबीसी एबीसी चल रहा है बस आगे देखो अड़तीस नंबर एक सिनेमाघर में कुल साठ प्रतिशत टिकट बुक हुई है शेष बची सीटों की संख्या बारह है तो कुल कितनी टिकट बुक हुई है करो परसेंटेज वाला है मान लीजिए देखिए टोटल जो टिकट है वो कितनी होंगी सौ परसेंट होंगी टोटल तो सो परसेंट ही होगा ना जिसमें से साठ परसेंट जो है वो क्या हो गई है बुक हो गई है तो बची कितनी चालीस परसेंट ठीक है जो कि बुक नहीं हुई है और इन चालीस परसेंट का मान दे रखा है आपको बारह सो चालीस परसेंट का मान है बारह सो तो ये जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल कर दी चार से हम भाग करेंगे एक सौ बीस को तो एक प्रतिशत का मान आ जाएगा तीस कुल कितनी टिकटें बुक हुई हैं बुक हुई टिकटें कितनी हैं? साठ परसेंट एक परसेंट का वैल्यू तीस है तो साठ परसेंट का निकाल लो कैसे करोगे यहां पर आपको साठ गुणा तीस कर देना है कितना हो जाएगा 6 या अठारह और दो जीरो और लगा दो अठारह सो ऑप्शन बी बताओ इसमें कुछ था क्या वाजिवा मिंटू तीस हजार किसका आंसर किया है आपने भाई मैंने बोला है कुल कितनी टिकटें बुक हुई हैं पढ़ो तो टोटल टिकटों की संख्या नहीं पूछी है टोटल बुक हुई टिकटें कितनी हैं अगर यहाँ पे तीस हजार ऑप्शन में होता ना तो बहुत विद्यार्थी तीस हजार लगा देते ऐसे मत करो ये छोटी छोटी मिस्टेक है फिर घर पे आओगे और जब क्वेश्चन पेपर देखोगे आंसर की में बाद में तो फिर माथा पटकना बैठ के इसीलिए बोलते हैं ध्यान लगा लिया करो आप इसको करो किसी आयत की लंबाई बीस की वृद्धि तथा चौड़ाई में दस प्रतिशत की कमी हुई है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई है अब इसको तो आप ना सक्सेसिव रेट वाले से भी कर सकते हो यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई और डिवाइड बाई हंड्रेड इससे भी कर सकते हो और हम इसी से कर लेते हैं ठीक है जब भी लगातार घटती बढ़ती चीजें हों सक्सेसिव रेट वाले से हम आसानी से कर सकते हैं मोहम्मद शोब रजा आपका नाम ले लिया है आपके पापा पास में है मेरा नाम ले लो ठीक है जी पढ़ाई करिए देखिए 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तो x का मान कितना है जी यहां पर 20 प्लस यहां पे 10 प्रतिशत की कमी हुई है ना तो यहां पे क्या करेंगे माइनस दस लिखेंगे मैं परसेंट नहीं लगा रहा हूं यहां पे डायरेक्ट करेंगे अब प्लस दिख रहा है ना सभी को दिख रहा है प्लस क्या है एक्स वाई यानी कि एक आपका प्लस का है एक माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 200 हो जाएगा क्या ये दिख रहा है यहां पर तो कट रहा है भाई देखो अब ठीक है यहां पर तो कट रहा है यहां पे कर देता हूं क्या है यहां पे 20 प्लस माइनस दस प्लस यहां पे माइनस का 200 हो जाएगा एक्स वाई और डिवाइड बाई हंड्रेड सही है ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसल अब इसको यहीं पे कर लू नीचे देखो ये प्लस माइनस ये टोटल माइनस हो जाएगा सारा बीस में से दस गया दस ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा माइनस दो है यानी कि आठ परसेंट आया है क्या प्लस में ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है गुड आगे देख लो क्वेश्चन नंबर चालीस अमित ने एक सीडी प्लेयर बत्तीस सौ रुपए में खरीदा उस पर कौन सा मूल्य अंकित करें कि चार प्रतिशत की छूट देने के बाद भी बीस प्रतिशत का लाभ हो यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में और आंसर करिए फटाफट से काफी टाइम हो गया है भाई आज देखो ऐसा प्रश्न जब भी दिखाई देना अंकित मूल्य इतने परसेंट की छूट दी इतने परसेंट की वृद्धि हुई इतने बेचा जाए एक फॉर्मूला दे रहा हूं यह ध्यान रखिएगा फॉर्मूला क्या है एम पी अपॉन सीपी बराबर MP के सामने हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखना है और सीपी के सामने हंड्रेड माइनस लॉस परसेंट लिखिएगा यह फॉर्मूला है बस देखो कैसे अप्लाई करवाते हैं एमपी आपको निकालना है ना कितना मूल्य अंकित करें एमपी की जगह हमने मार्क प्राइस अंकित मूल्य ही रहने दिया है क्रय मूल्य बत्तीस सौ रुपए दे रखा है ठीक है हंड्रेड प्लस प्रॉफिट परसेंट बीस परसेंट का लाभ हुआ है तो यहां पर एक सौ बीस हो जाएगा डिवाइड बाई नब दस परसेंट का चार परसेंट की हानि हुई है ये नाइनटी सिक्स हो जाएगा इतना तो कंफर्म है आगे देख लो बारह एकम बारह यहां पे दस और बारह आठ छियानवे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए अब ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए लंबा लग रहा है बेसिक से करोगे तो और लंबा जाएगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे बनेगा आपका एट एम पी बराबर बत्तीस हजार ठीक है अब आठ से बत्तीस हजार को भाग करेंगे आपका मार्क प्राइस आ जाएगा आठ चौके बत्तीस चार हजार रुपए ऑप्शन बी ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना यह बहुत काम आएगा चौवालीस सौ तो क्यों आंसर किया है आपने चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इकतालीस कोई ट्रेन 160 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 60 मीटर प्रति सेकंड की गति से 5 सेकंड में पार करती है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए इसमें फॉर्मूला लगाएंगे टाइम वाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है दूसरी चीज कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करती है ना तो ट्रेन के साथ साथ प्लेटफार्म की लंबाई भी आपस में जोड़ देते हैं ठीक है अब ट्रेन की लंबाई तो हमें पता नहीं है उसको मैं मान लेता हूं क्या x प्लेटफॉर्म की लंबाई 160 है तो ये भी इसमें जुड़ेगी बिल्कुल डिवाइड बाई 60 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है तो 60 और टाइम कितना दे रखा है आपको पांच सेकंड यहां पर हमने लिख दिया पांच कंफर्म है ये 60 इधर जाके पांच में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि x प्लस एक बराबर 300. एक्स का मान कितना आ जाएगा यहां से ये यह साठ तीन सौ में माइनस हो जाएगा यानी कि एक सौ चालीस मीटर ट्रेन की लंबाई ऑप्शन डी किसी का कोई डाउट एक सौ बीस मीटर केशव झा कैसे करते हो सिंपल तो है जी आगे देखिए बयालीस नंबर कौन सी धनराशि छह माह में चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज तीन सौ रुपए मिलेगा साधारण ब्याज दिया है धनराशि यानी कि प्रिंसिपल बताना है फॉर्मूला पता है ये टॉपिक हमने करवा दिया है मैथ की प्लेलिस्ट में फॉर्मूला क्या है जी सिंपल इंटरेस्ट इन टू हंड्रेड डिवाइड बाई यहां पे आपका हो जाएगा रेट इनटू टाइम अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट तीन सौ रुपए गुणा क्या करेंगे सौ कर देंगे डिवाइड में रेट कितना है जी चार परसेंट और समय दे रखा है आपको छह महीने बट आपकी दर क्या है वार्षिक है ठीक है इस छह महीने को वर्षों में बदलेंगे तो छह बटे बारह से कर देंगे भाग क्योंकि एक साल में बारह महीने होते हैं तो यहां पर छह बटे बारह हो जाएगा अब ये बारह नीचे ना रहकर ये बारह कहां चला जाएगा आपका ये बारह चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में आप काटा पीटी कर दो और आंसर अपना निकाल लो जल्दी देखो ध्यान से कैसे करूं छह दुनी बारह दो से करूंगा दो दुनी चार ठीक है फिर दो से मैं तीन सौ को भाग करूंगा एक सौ पचास और एक सौ पचास में सौ गुणा करेंगे तो पंद्रह हजार रुपए है ना ऑप्शन बी में है जी पंद्रह हजार पंद्रह हजार बहुत बढ़िया जी बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर करवाएंगे कौन से महीने का भाई इतना नहीं आएगा महीने वाला पुरस्कार खेलकूद भारत का मंत्रिमंडल राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल ये आएंगे बस ठीक है अभी तक तो यही आता आया है और एग्जाम फर्स्ट टाइम है तो इससे आगे सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं तो कर लीजिएगा ये देखिए, दस वर्ष बाद ए बी से दस वर्ष बड़ा होगा तो पांच वर्ष पहले ए बी से कितने वर्ष बड़ा था अब इसको ना अब इसको कॉपी पेन लेके सॉल्व मत करिएगा ठीक है क्या पूछा है कि दस वर्ष बाद ए बी से दस वर्ष बड़ा है भाई वो पचास साल बाद भी दस वर्ष बड़ा होगा अब आयु में मैं पच्चीस साल का हूं मेरा भाई दस साल का है पंद्रह साल का अंतर है ना पचास साल बाद भी अंतर पंद्रह साल का ही रहेगा पचास साल पहले भी पंद्रह साल का ही रहेगा तो ये दस वर्ष बड़ा है तो कभी भी हमेशा दस वर्ष बड़ा ही रहेगा उससे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है यहां पे मेरा नाम ले लो बड़े भाई गुज्जर हीरो आर के पटेल चलिए नाम अभी लेंगे क्लास खत्म होने वाली है बस चौवालीसवा क्वेश्चन है ये आपको इक्कीसवां पद बताना है क्या होगा और ये क्वेश्चन ना एग्जाम में गिरेगा किसी शिफ्ट में देख लीजिएगा यह समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन है जब भी आपको इक्कीसवा पद बताना हो यानी कि टी एन की वैल्यू बतानी हो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन और डी ठीक है भाई ए क्या होती है पहली संख्या जो कि दो है प्लस एन क्या है इक्कीस और 21 में एक माइनस करेंगे तो 20 और डी की वैल्यू क्या होती है इनके बीच का डिफरेंस जो कि दिखाई दे रहा है कितना है तीन है आप देख लो बीस गुणा तीन साठ साठ में दो जोड़ देंगे तो बासठ ऑप्शन बी अवेलेबल हम्म सही है जी बिल्कुल राइट है आगे बढ़िए मैथ का लास्ट क्वेश्चन शब्द दिल्ली को भिन्न भिन्न कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ऐसा प्रश्न मिल जाए ये परमोटेशन और कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक है कर्मचय और संचय ठीक है जब भी ऐसा प्रश्न हो तो हमको फैक्टोरियल से सॉल्व करना पड़ता है जैसे इसमें पांच शब्द है ना एक दो तीन चार पांच पांच अल्फाबेट हैं, तो ये पांच फैक्टोरियल का मान निकालेंगे ठीक है अब देखिए पांच फैक्टोरियल मतलब पांच को उल्टा गुणा करना है पांच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक ये आपका आंसर हो जाएगा बीस बीस दुनी, एक सौ बीस ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट अब दूसरा समझिए इसके अंदर केस अगर मान लीजिए कोई ऐसा शब्द दे दिया यहां पर भी मान लीजिए एल होता ठीक है और बोलता कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब क्या करते पांच फैक्टोरियल तो हम लिखते ही ठीक है बट अब क्योंकि एल अगर दो बार दिया है ना तो यहां पर दो फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना होता है आप इसको सोल्व करके फिर सोल्व करते अगर आपकी वैल्यू रिपीट हो रही है और बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है समझ में आया है सभी को समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है रीजनिंग लास्ट के पांच प्रश्न इसके बाद आपकी क्लास बंद है शाम को देखते हैं आपकी मैथ की अगर मैराथन क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो शाम को पांच बजे मैथ की मैराथन कर देंगे गिराना उठाना से संबंधित है तो इनकार स्वीकार से समय नहीं लेंगे और आगे बढ़ते हैं जी अगले पर किसी कोड भाषा में प्लांट को क्यू एम बीओ यू के रूप में व्यक्त किया जाता है तो टोयोटो का कैसे व्यक्त करेंगे टोयोटा कार है, है? <laughs> मेरा नाम ले लो ऋतिक और भाई क्लास कैसी लग रही है कमेंट तो किसी का नहीं आ रहा क्लास पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है कुछ वैल्यू मिलती है या नहीं है और साथ साथ रिवीजन भी करते रहना भाई ठीक है देखो ये प्लस वन का लॉजिक है प्लस वन प्लस वन और प्लस वन पी के बाद हुआ एल के बाद एम ए के बाद बी प्लस वन प्लस वन टी के बाद यू ओ के बाद पी वाई के बाद जेड ओ के बाद पी यू और बी फटाफट से कौन सा ऑप्शन है यूपी जेड पी यू बी ऑप्शन बी आंसर ये आ रहा है कौन से का राजा कौन से का आंसर आ रहा है कमेंट करो या करो तो देख लिया जाएगा ऑनलाइन में आगे देखो 48 कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता शब्द दिया है जजमेंट है ना अब जजमेंट यहां पे देखिए जज ये है मेंट ये है ये तो बन जाएगा टेन टेन भी बन जाएगा ई एन इसमें में, जेंटल में क्या है ए जो अल्फाबेट है ये पूरे जजमेंट में नहीं है यानी कि जो जेंटल है जजमेंट के प्रयोग से कभी बनेगा नहीं कदापि नहीं बनेगा उनचास नंबर आज का सेकंड लास्ट और डायरेक्शन किराम अपने घर से पांच किलोमीटर पूरब की ओर चलता है फिर अपने बाई और मुड़कर तीन किलोमीटर जाता है अंत में अपने दाई और मुड़कर दो किलोमीटर जाता है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है चलिए करो यार इसका आंसर जल्दी फटाफट ठीक है आज जाना है मुझे क्रिकेट खेलने इसीलिए थोड़ी सी गति बढ़ा रहे हैं बट समय वही हो जाता है संडे है भाई संडे को खेल लेते हैं कभी कभी देखो यहां पर सबसे पहले डायरेक्शन बनानी है आपको डायरेक्शन तो सभी को पता है वैसे डायरेक्शन का इतना रोल नहीं है इस क्वेश्चन में फिर भी ये पूर्व इधर पश्चिम ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण अब देखो राम पांच किलोमीटर पूर्व की ओर चला यह राम की पोजीशन है चला चलाजी पांच किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर ठीक है बाई और मुड़कर तीन किलोमीटर चलता है बाई और मतलब लेफ्ट हैंड साइड अब इधर जा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ऊपर जाएगा कितना भाई तीन किलोमीटर थोड़ा टेढ़ा जा रहा है कोई बात नहीं इसकी मर्जी है जैसे मर्जी जाइए अंत में अपने दाई और मुड़कर दो किलोमीटर जाता है दाई और मतलब राइट हैंड साइड अब इधर जा रहा है तो राइट हैंड साइड जाएगा यह कितना भाई दो किलोमीटर यह तो सीधा चला गया इस बार वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है सिंपल है भाई पांच किलोमीटर इधर गया है फिर तीन किलोमीटर इधर गया है फिर दो इधर गया है पांच तीन आठ दो दस किलोमीटर ऑप्शन बी थांबा थांबा सबके नाम लेंगे थोड़ा सा वेट करो 604 डिवाइड बाई 20 सोल्व कीजिए अरे भाई ये क्या सोल्व करवा रहे हो इतना आसान पॉइंटों में आंसर आ जाएगा और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा पचास इसको सोल्व करो इसको सोल्व करो छे सौ चार डिवाइड बाई ट्वेंटी भाई दो दहा बीस ठीक है दो से कर दो, दो तिया छह जीरो दो दुनी चार और यहां पे तीस पॉइंट दो आ जाएगा पता नहीं क्या सोल्व करवा रहे हो आप इतना सिंपल विषम का चयन करें यहां पे बताइए कौन सा राइट आंसर होगा बताओ यार जल्दी से आप में से कौन कौन क्रिकेट खेलता है पर ये आपका क्रिकेट खेलने का टाइम नहीं है अगर खेलते भी हो संडे हैं भाई हम तो खेल लेते हैं अच्छा देखो ये क्या है अगर आप ध्यान से देखे एक मिनट हेलो हाँ हन... अच्छा, नहीं लगेगी शाम को क्लास हम्म हु, ओके ओके सर ठीक है मैं लाइव था अभी ठीक है ठीक कुलदीप सर का फोन था क्लास का फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है कि शाम को मैथ की मैराथन होगी नहीं होगी वहां पे लाइट का इशू है थोड़ा देखो ये क्या है विषम का चयन करें इसमें मैं देख रहा हूं जो 75 है है ना ये क्या ऑड नंबर है, है। यानी कि विषम संख्या है बाकी क्या है बाकी विषम तो है ही साथ में इकतीस सतासठ सैतालीस क्या है जी ये प्राइम नंबर है प्राइम नंबर है ये ठीक है यानी कि फाइव ऑप्शन भी आपका राइट right आंसर है जी अरे सर फर्स्ट बॉल पर आउट हो जाओगे क्रिकेट में हाँ बहुत अच्छी बात कर रहे हो आपने सर के बारे में ये बोलो ना कि छक्के छक्के लगेंगे देखो ये आपके पचास क्वेश्चन की आज का मॉडल पेपर कंप्लीट है मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा हमारा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगता है

क्योंकि बिना टेस्ट लगाए आपका पेपर क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन टेस्ट लगाने से आपका क्या होता है जी टाइम मैनेजमेंट बनती है स्कोर इंक्रीज होता है प्ले स्टोर पर मिल जाएगी शुभम की क्लासेस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और मैं आज आपको ये नाइनटी नाइन रुपीज की कर दूंगा तो इसको ले लीजिएगा ठीक है अब आपके कमेंट देख लेते हैं और क्लास को खत्म करते हैं फिर आज मैराथन क्लास मत रखना सर मेरा एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है भाई अगर ट्रेडमैन का है तो अभी नहीं आएगा जीडी वालों के तो आ चुके हैं लगभग आईपीएल में आपकी टीम गुजरात है भाई फेवरेट आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सभी क्लास ली है क्या सिलेक्शन हो जाएगा भाई क्लास तो आपने ली है अच्छी बात है खुद भी मेहनत करी है ना हम 1 घंटे में तो भाई मतलब की यह है कि टाइम थोड़ा कम है जितना हो सका उतना हमने कवर करवा दिया है और हाँ कल की अनाउंसमेंट ये है कि कल मैं सोच रहा हूं कि 2015 से पहले जितने क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के बिल्कुल बेसिक बेसिक एकदम प्यारे प्यारे वो मैं सोच रहा हूं कि टॉप हंड्रेड क्वेश्चन की क्लास करवा दे जीके की कमेंट करके बताइएगा क्या विचार है आपका नहीं तो फिर जो क्लास चल रही है वो तो चल रही है मैराथन क्लास हो जाएगी भाई सब कुछ करवाएंगे ठीक है चलिए ये क्या क्वेश्चन है सर सर मेरा हैप्पी हैप्पी मी बर्थडे बोल दीजिए आशीष चैन हैप्पी बर्थडे ब्रो पचास में से बत्तीस कम स्कोर है जी नाइन्टी टू पॉइंट फाइव रणवीर चौधरी ये लड़का कुछ करेगा एग्जाम में आपका नेम क्या है निखिल रावत मेरा नेम शुभम श्रीवास्तव है सौ रन बना देना वेरी गुड सर आप बहुत अच्छा समझाते हो थैंक यू आज मैराथन मत रखना आज आर्मी स्टडी की जीकी की मैराथन क्लास है हाँ उनकी शायद छह बजे है है ना ठीक है भाई कोई बात नहीं देखते हैं जैसा होगा टाइम चेंज किया है कि ग्यारह बजे थी ना सर की चलो कोई बात नहीं ठीक है सर कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा है और मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ तक के लिए जय हिंद जय भारत